मसला सारा यह है कि अमेरिका ने 1997 में एक काउंसिल बनाई थी जिसको कहते हैं नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल। जी, ये नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल जो है उनके डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जो है उसके डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस उसके जेर इत्मीनान एक बहुत बड़ी बॉडी है। और ये बॉडी जो है वो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हर साल पेश करती है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट पूरी दुनिया से इकट्ठी करके, और उसके बाद बताती है कि क्या होने वाला है और अमेरिका को क्या करना चाहिए। ठीक, नॉर्मली जब प्रेसिडेंट नया बनता है तो उसकी एक सामने एक रिपोर्ट रखी जाती है। अक्सर लोग जो कहते हैं ना कि ट्रंप जो है ऐसे ही कर रहा है, ट्रंप ये कर रहा है ये कर रहा है, जी ऐसी बात भी नहीं, इतना भोला बेवकूफ भी नहीं। और सारी बात है कि इतना भोला बेवकूफ अगर होगा तो अमेरिकन जो है उसके उसके बारे में क्या मतलब यह है कि उसको 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 रहने देंगे वहां पर। एग्जैक्टली, अमेरिका को इसका इस यूएन इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा कि पाकिस्तान एंड इंडिया विल हैव ए न्यूक्लियर वॉल इन 2028, यानी 10 साल 11 साल बाद। उसने कहा यह है कि 2020 में, आज से 3 साल बाद, अमेरिका रिटायरमेंट में चला जाएगा। यह किसकी रिपोर्ट है सर? नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल की। अच्छा ठीक है, ये ट्रंप को पेश हुई है 24 जनवरी 2017 को। अच्छा, ट्रंप ने कब हल्फ लिया? 20 जनवरी 2017, यानी ज्वाइनिंग के 4 दिन के बाद। ठीक, उसने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया न्यूक्लियर वॉर जो है वो लड़ेगा 2028 में। क्यों लड़ेगा? उसकी एक रीजन वो बताता है जी, कि अमेरिका जो है अब उसकी हालात बहुत बड़े अजीबोगरीब हो जाएंगे। अमेरिका जो है अपने आप के पर ज्यादा नहीं फैला सकता। अमेरिका जो है 2020 में आलमी मामलात से दूर हो जाएगा, जो ट्रंप का नारा था, हमें अपना घर ठीक करना है, हमें ये करना है, वो करना है, वो करना है, बैक होंगे, यानी वापस जाएंगे, हम रिटायरमेंट में चले जाएंगे। ठीक, वो कहता यह है कि पाकिस्तान की और इसकी जो जंग है इंडिया की, ये होगी पानी पे। अच्छा, पानी पे। और वो कहता यह है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों जो हैं ये एक तवील अरसे से सिंध तास मुआहिदा जो है उसके ऊपर अमल दरामद करते चले आए थे जी, लेकिन गुज़श्ता 3-4 साल से इस ये मुआहिदा खत्म हो चुका हुआ, लिटरली खत्म हो चुका हुआ। उस सिंध तास मुआहिदे की एक बुनियादी शर्त यह थी कि जितना पानी पाकिस्तान के हिस्से में आया है, दरिया सिंध का, दरिया चनाब का, दरिया जेलम का, अगर पाकिस्तान उस पानी को इस्तेमाल नहीं करता, समुद्र में जा रहा है या डैम नहीं बन रहे हैं यूटिलाइज, तो इंडिया हैज द राइट टू यूटिलाइज इट, जब वक्त आएगा तो पाकिस्तान कर लेगा। ठीक ठीक, इसीलिए आपका आखिरी डैम जो है तरबेला में बना, उसके बाद हिंदुस्तान ने हर उस शख्स को पैसा दिया जो पाकिस्तान में डैम का मुखालिफ।